भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो चलिए करते हैं एक और जबरदस्त वीडियो। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन 2023 के लिए आ चुकी है। और इससे पहले मैंने स्पेशल हरियाणा वाले बच्चों के लिए, जो हरियाणा सीटी की तैयारी करते हैं या किसी और चीज की तैयारी करते हैं, मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी। आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर आप देखना। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा और एसएससी में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, तो आप एसएससी की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हैं। बल्कि प्राइमरी आप एसएससी की तैयारी करो और साथ में एचएसएससी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बस पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं पता कि भाई एसएससी क्या है, सीजीएल क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? सबसे पहले कौन बच्चा है जो फॉर्म भर सकता है, मतलब फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो हो सकता है आपका डाउट हो इस भर्ती को लेकर। तो हरियाणा एसएससी सीजीएल हर साल जो भर्ती आती है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। हरियाणा का कोई भी बच्चा या कोई भी और बाहर का बच्चा अगर फॉर्म भरना चाहता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आई थी तो तुमने अधिकतर बच्चों ने देख ली होगी भाई नोटिफिकेशन क्या है। तो ये है नोटिफिकेशन, देख लो एक बार। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, भी एग्जाम डेट कौन सी आई है। और अगर आपके ड्रीम है ना भाई, मैं बताता हूँ, अगर आपका ड्रीम है एक अच्छी पोस्ट पर जाना, बढ़िया नौकरी करना, बढ़िया सैलरी लेना और समाज में एक बढ़िया प्रतिष्ठित स्थान पर जाकर बैठना, तो ये एसएससी सीजीएल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हर साल आपको मिलती है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है उसकी जो डेट है वो ये है भाई, 3-4, मतलब कल से एप्लीकेशन चालू हो गई है और 3-5 पूरे एक महीने तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट डेट जो है फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये लास्ट डेट आओगी आपकी 3-5, ठीक है जी, 3-5-2023, और 4-5 तक आप ऑनलाइन पेमेंट अपनी कटवा सकते हो अगर कोई देरी होती है तो। ठीक है जी, ये सारी और इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक और जो थोड़ी सी टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर वन, जो टीयर वन होने वाला है एसएससी सीजीएल का, उसकी टेंटेटिव डेट है जुलाई 2023, मतलब कि अभी पूरा अप्रैल है आपके पास, अप्रैल मई जून 3 महीने तो आपके पास निग्र है भाई, 3 महीने तो हैं, उसके बाद जुलाई में डेट ये कुछ देंगे तो उसके हिसाब से मान के चलो कि भाई अगर जुलाई के पहले हफ्ते से भी पेपर शुरू होते हैं तो आपके पास 3 महीने 90 दिन तो अभी हैं पूरे के पूरे। ठीक है जी, और टायर टू के लिए बाद में जो है नोटिफिकेशन आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं केवल आपको वो बताऊंगा जो हर एक बच्चे का डाउट होता है, बाकी सारी चीज़ें तो आप इसको देख के ध्यान से पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो होंगी सारी आपको पोस्ट दिख रही होंगी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जो दिख रही है आपको ये सारी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट होती है सारी पोस्ट है भाई एसएससी सीजीएल जो ऑफर करता है। आप देख लो इसमें AAO की पोस्ट है और बाकी जो सारी पोस्ट है आप देख सकते हो। और हाँ, इसमें एक खास बात है भाई, जो हरियाणा वाले बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि भाई इसके अंदर जो है एज लिमिट, सर हमारी एज है कि नहीं, तो आप देख लो यहाँ पर आपको एज लिमिट इसके सामने लिखी हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये जो पूरी PDF है ये आप SSC की साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, तो ये सारी एज लिमिट है हर एक एग्जाम के लिए, देख लो आप, ये सारी एज लिमिट है। लगभग एग्जाम्स में आपको 18 से 30 साल दिखेंगे, 18 से 30 साल, कुछ में जैसे 20 से 30 साल है और कुछ में यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको, एक में दिखा देता हूँ, ये देखो 18 से 32 साल, एक ये है अपनी भाई जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO जिसको बोलते हैं वो उसमें, ठीक है ना, ये देख लेना आप 18 से 27 वाली पूरी भर्ती है, ये देख लो सारी पोस्टें, बी ग्रुप की सी ग्रुप की सारी पोस्टें इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये एज लिमिट, ये एज लिमिट स्टैंडर्ड है, इसके बाद जो SC को, BC को, SC ST को जो कोटा मिलता है 5 साल का, 3 साल का, वो तो है ही, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। मतलब मान लो आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा होती है, मान लो आप 31 साल में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इन एग्जाम को नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो एज लिमिट है ना उसके लिए क्या है भाई, देखो हाँ ये चीज भी इंपॉर्टेंट, आप देख लो एक बार, यहाँ से थोड़ा सा आपको एस्टिमेट मिल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है अपनी एज। जो 18 से 27 साल के बीच की जो एज लिमिट जिन भर्तियों के लिए है, उनके लिए ये चीज़ है कि कोई बच्चा अगर उन भर्तियों के लिए जाना चाहता है तो 2/8/1996 से पहले वो पैदा नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, इस डेटों के बीच में पैदा होना चाहिए। हाँ, जो
रिजर्वेशन आपको मिलेगी वो अलग चीज है, ठीक है जी। उसी प्रकार इसमें देख लेंगे आप कौन सी डेट है, 93 से पहले नहीं होना चाहिए, 3 के बाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी 93 और 5 है, 91 और 5 है, ये देख लेना। जो अलग अलग भर्ती में जो अलग अलग डेट है उनके हिसाब से ये दे रखा है, ठीक है जी। ये है एज रिडक्शन। अब देखो मान लो कोई बच्चा एस सी कैटेगरी का, मान लो कोई बच्चा एस सी कैटेगरी का है या एस टी कैटेगरी का है और उसकी उम्र 30 साल हो गई है या 30 से ज्यादा हो चुका है और अब वो ऐसी किसी भर्ती का फॉर्म भरना चाहता है इसके अंदर जहां पर वो 30 साल जिसमें मैक्सिमम एज 30 साल है तो वो भर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी अपर एज लिमिट पर, मतलब कि अगर 30 साल है तो 5 साल उसमें और जोड़ लो तो आप 35 साल तक एस सी एस टी का बच्चा पेपर दे सकते हैं, ठीक है जी। ये है, उसी प्रकार ओबीसी का है और ये पीडब्ल्यू डी, ये देख लेना आप पीडब्ल्यू बी डी जो भी है। ये सारी हैं, आप एज लिमिट सारी चेक कर सकते हैं, जो जो जिस जिस कैटेगरी में आवे उसके हिसाब से आप देखते रहना और अपने हिसाब से फॉर्म भरना है आपने, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न भी मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें हैं। पहले एसएससी का एग्जाम पैटर्न अलग था, अब एग्जाम पैटर्न अलग है, ठीक है जी। चलो ये अपने कुछ काम की खास बात को नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा। ये भी कुछ खास बात को नहीं, ये भी कुछ खास बात को नहीं, ये थोड़े से एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। वैसे तो देखो सीजीएल के अंदर जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे एएओ है, एएओ है एसेंशियल। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप देखो इस चीज को, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस। एसेंशियल मतलब जरूरी, अनिवार्य तो केवल यही है, लेकिन डिजायरेबल मतलब कि अगर ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, मतलब बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है जी, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर आप अगर देखो ये क्या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार की कोई आपके पास डिग्री है तो आपको वरीयता मिल सकती है, आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखो ये सारी चीजें, इसमें और देख लो जेएसओ के लिए भी है भाई, जो मेन चीज हो तो ये है, साथ में कुछ और चीजें भी हैं जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू, ये देख लो सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वो होनी ही चाहिए, जिसके पास है अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो केवल बैचलर डिग्री से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा जो भी पोस्ट है ऑल अदर पोस्ट, उसमें केवल बैचलर डिग्री ही आपको चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं ये अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन फीस ये देख लो, एप्लीकेशन फीस कितनी है, 100 रुपये है भाई एप्लीकेशन फीस, और एस टी एस सी एस टी के लिए है ही नहीं, वुमेन कैंडिडेट के लिए और एस सी एस टी के जो कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है, बाकी औरों के लिए भी नहीं है। जो 100 है वो किसके लिए है, वो हो सकता है जो जनरल कैटेगरी से उनके लिए हो और बी सी कैटेगरी वालों के लिए हो, ठीक है, देख लेना आप इसके ऊपर पूरा पढ़ लेना, हो सकता है कोई बात नहीं, मुश्किल बाकी मोटा मोटा ये है। अच्छा अगर मान लो कोई गलती होती है आपके फॉर्म भरने में, ये भी देख लो एक बार, अगर फॉर्म भरने में गलती होती है तो जो विंडो है एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए आपकी एप्लीकेशन खुलेगी भाई, ठीक है, 7/5 से 8/5 के बीच, मतलब लगभग आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन का टाइम मिलेगा, 7 से लेकर 8 तक, या फिर क्या 1 दिन का टाइम मिलेगा, 24 घंटे मिलेंगे, उस 24 घंटे के अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें जानता भरियो, पहली बार में करेक्ट भरियो, गलत मत भरियो फॉर्म को, ध्यान से भरवाना अपना फॉर्म जो भी भरवाओ, ठीक है। और देखो ये सेंटर वगैरह दे रखे हैं, सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो फॉर्म भरोगे तो आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपके नजदीक पड़ता हो वही सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखो अब आती है मेन बात कि आपका एग्जाम और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपके 2 टीयर होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है जी। एसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम बच्चा देने वाला है टीयर 1 और टीयर 2 होंगे। अब इसके अंदर देखो जो टीयर 1 है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये है टीयर 1, ये टीयर 1 एग्जाम है भाई, टीयर 1 एग्जाम है। इसके अंदर आपको 4 पार्ट में एग्जाम करेक्ट हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, मतलब जीके जिसको आप बोलते हो सामान्य भाषा में, 25 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे और 50 नंबर के ही होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। उसी प्रकार मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इन 100 क्वेश्चन देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास समय कितना है, 1 घंटा, समय कितना है 1 घंटा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसकी कट ऑफ लगने के बाद जब टायर 2 में आप जाओगे
तो टायर टू का अगर मान लो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो टायर टू में आपके पास ये चीजें रहेंगी। देखो टायर टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, ध्यान से समझना इसको। टायर टू के अंदर कैसे एग्जाम लिया जाएगा आप ये ध्यान से देखना एक बार। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, पेपर वन है। इसके अंदर सबसे पहले पेपर वन है और पेपर वन के अंदर सेशन वन है। सेशन वन है जो 2 घंटे और 15 मिनट का होगा। सेशन वन के अंदर 2 घंटे और 15 मिनट का होगा। इसके अंदर जो सेक्शन, इसके अंदर ये सेशन है और ये सेक्शन है, सेशन के अंदर सेक्शन है। तो पेपर वन के अंदर, सेशन वन के अंदर सेक्शन वन जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा और रीजनिंग, मतलब दो ऐसे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई ये दोनों, क्या है प्रैक्टिकल। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि पहले ये दो ही आएंगे आपके पेपर में जब आप पेपर देने बैठोगे मेंस का, मतलब टीयर टू का। तो मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग पहले ये आएंगे और इनके 30-30 क्वेश्चन आएंगे। और चूंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180 नंबर के होंगे। और यहाँ पर 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, मतलब के सेक्शन वन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और देखो सेक्शन टू देखो ये ना, और ईच सेक्शन, तो ये सेक्शन है अपना, तो सेक्शन वन के लिए आपको 1 घंटा, मतलब ये 60 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेक्शन दो में जब आप आओगे तो इंग्लिश और जी की आपको मिलेगी, मतलब के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपके, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इन दोनों के लिए आपको मिलेगा। अच्छा ये पूरा जब 1 घंटा, पहले 1 घंटे में आपको केवल ये दो ही चीजें दिखाई देंगी, ये चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, आगे मैं और एक्सप्लेन इसको करूंगा। जैसे ये खत्म होगा 1 घंटा, तुरंत ये चीजें खत्म हो जाएंगी और ये चीजें आ जाएंगी, चाहे आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश में और जीके में आप देख लो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। अगर 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, आप ये देखो प्री में भी और मेंस में भी, टीयर वन में भी और टीयर टू में भी। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, देखो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे टीयर टू में भी। और हर एक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 70 हो गए, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 210 नंबर के ये हो। ठीक है जी, तो ये है अपना सेक्शन वन और सेक्शन टू, पूरा मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार होगा, पहले आपके पेपर को मैं आपको केवल ये चीजें दिखाई देंगी, जैसे ही खत्म होगा फिर ये आ जाएगा और आगे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। अभी पेपर वन ही चल रहा है हमारा और पेपर वन के अंदर सेक्शन थ्री आ गया भाई। देखो पेपर वन के अंदर अपना सेक्शन थ्री आ गया और सेक्शन थ्री के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, देखो अभी पेपर वन में ही है, पेपर वन में ही है और पेपर वन में उसके अंदर क्या है अपना सेक्शन थ्री आ गया। सेक्शन थ्री के अंदर 20 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का, और इसमें आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो डाटा एंट्री स्पीड है इसके लिए अलग से, ये पेपर जब आपका खत्म हो जाएगा उसी दिन जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आपका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए और फिर ये दोबारा से शुरू होगा। इसके अंदर आपको क्या है डाटा एंट्री DEST, जो DEST टेस्ट है ना, ये पहले भी होता था लेकिन पहले SSC का फॉर्मेट सीजन का अलग था, टीयर वन होता था, टीयर टू होता था, टीयर थ्री होता था और 3 टीयर के बाद में DEST होता था। तो टीयर थ्री के बाद जो DEST होता था उस DEST में ये टेस्ट होता था, अब ये टेस्ट पहले ही हो रहा है। ठीक है जी, तो अब ये टेस्ट पहले ही हो रहा है, ये टीयर टू के साथ में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे, इससे आगे देखते हैं एक बार और इसको अच्छे से समझेंगे पूरा पूरा सेशन क्या है। उसके बाद ये जो दो पेपर है ना भैया, देखो पेपर टू और पेपर थ्री, अभी तक पेपर वन है पूरा, पेपर वन के सारे सौदे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद पेपर टू और पेपर थ्री स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, ये सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, कुछ बच्चे जो AAO के लिए जाना चाहते हैं या JSO के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये है, जो JSO के लिए जाना चाहता है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है और ये किसके लिए है, जो AAO के लिए जाना चाहता है। ठीक है जी, गेट ना बंद कर दे, आगे देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको ताकि क्लियर हो जाए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सारी बातें आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी सारी बातें आपको बता दूं। अब देखो देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हो पेपर टू, जो पेपर टू है अभी मैंने बताया आपको, पेपर टू स्टैटिस्टिक्स जो है ये देखो, पेपर टू विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, बताया था जो JSO के लिए भरेगा केवल उसको वो पेपर टू देना है। ठीक है जी, और जो पेपर थ्री है ये देखो, पेपर थ्री विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टायर वन फॉर पेपर थ्री, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ AAO या AAO, दोनों AAO है, ये ऑडिट ऑफिसर होता है, ये अकाउंट ऑफिसर होता है। और यह यकीन मानना पूरे SSC की CGL की भर्ती में सबसे ज्यादा तनख्वाह इसी ऑफिसर को मिलती है। ठीक है, अगर आप SSC क्लियर करना चाहते हैं तो कोशिश करो इन पोस्ट पर जाने की, सबसे ज्यादा बढ़िया ग्रेड पे इन्हीं का होता है। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आपका पेपर होगा कैसे।
देखो सेक्शन वन के अंदर मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू मैंने बताए थे। अब देखो सेक्शन वन के अंदर मॉड्यूल वन जो है जिसमें मैथ और रीजनिंग पहले आपसे ये पूछी जाएगी, सेक्शन टू में आपको पहले फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी, सेक्शन थ्री में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 15 मिनट के लिए होगा, उसके बाद अलग से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डीईएसटी शुरू होगा। अब देखो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि भाई किस किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। देखो पेपर वन विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, सेशन वन एंड सेशन टू। पेपर वन के अंदर दो सेशन होंगे, सेशन वन एंड सेशन टू ऑन द सेम डे, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, ठीक है जी। अब देखो सेशन वन विल इंक्लूड, अभी सारी बातें क्लियर होंगी। सेशन वन जब आपका होगा विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन वन सेक्शन टू एंड सेक्शन वन एंड मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री। मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री कौन सा था? केवल कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डीईएसटी नहीं, डाटा एंट्री टेस्ट नहीं, केवल कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट जो था आपका वो। तो पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में क्या था? मैथ था और रीजनिंग था। दूसरे सेक्शन में क्या था? इंग्लिश था और जीके आपकी जो जीएसटी वो था। और मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री इसमें क्या था? इसमें था कंप्यूटर, इसमें था कंप्यूटर, कंप्यूटर की टाइपिंग नहीं, कंप्यूटर का टेस्ट, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो। सेक्शन वन हैज टू मॉड्यूल, देखो लिखा हुआ है मॉड्यूल वन मैथ, मॉड्यूल टू रीजनिंग। द कैंडिडेट विल गेट वन आवर, कैंडिडेट को एक घंटा मिलेगा इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीशन ऑफ वन आवर द सेशन विल ऑटोमेटिकली क्लोज, जैसे ही एक घंटा पूरा होगा मैथ और रीजनिंग जो खुली हुई है आपके पेपर में वो अपने आप बंद हो जाएगी और दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? सेक्शन वन जैसे ही कंप्लीट होगा तो टू मॉड्यूल का सेक्शन टू, जिसके अंदर लैंग्वेज में क्या दे रखा है आपको, इंग्लिश और जीके जो दे रखी है वो शुरू हो जाएगी और उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, वो एक घंटा मिलेगा। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद वो सेशन भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद और ऊपर आ जाओ सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री में आपको दो मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? देखो पहला मॉड्यूल क्या है सेक्शन थ्री में? टू मॉड्यूल है। मॉड्यूल वन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल कमेंस इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन टू। जब जैसे ही आपका सेक्शन टू, जो सेक्शन टू ये चल रहा था आपका, देखो ऊपर ये इंग्लिश का और जीके वाला, जैसे ही वो खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका जो है सेक्शन थ्री चालू हो जाएगा जिसका मॉड्यूल वन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। और जैसे ये कंप्लीट होगा, ये 15 मिनट का होता है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल वन सेक्शन थ्री सेशन वन विल कम टू एन एंड। अब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल रहे थे मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, वो सारे खत्म हो गए हैं। अब आपका पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन वन, सेशन वन कंप्लीट, कैंडिडेट विल गेट ए ब्रेक, गेट अ ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन टू। फिर सेशन टू के लिए आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पर। सेशन टू विल बी इंक्लूडेड, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल टू ऑफ सेशन थ्री, दैट इज डीईएसटी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन टू विल बी 15 मिनट ओनली, 15 मिनट के लिए आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। इसमें मैं बता देता हूँ आपकी स्पीड वगैरह कितनी मांग रखी है इन्होंने, ये देख लेना आप, इसमें कुछ खास मत बोलो। चलो उसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख लो एक बार, इसके बाद फिर आपको सिलेबस बताऊंगा मैं। मॉड्यूल टू ऑफ सेशन थ्री ऑफ पेपर वन विद इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड, देखो डीएसटी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन टू ऑन द सेम डे। उसी दिन आपका होगा, जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद आपका क्या होगा, ये सारे टीयर टू की बातें कर रहा हूँ, टीयर वन तो हो चुका होगा आपका पहले ही, उसमें क्लियर करने के बाद आप टीयर टू में आए होंगे, उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप देखो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट में आपको लगभग 2000 वर्ड्स का एक पैसेज मिलेगा, वो आपको टाइप करना है, ठीक है जी। उसके अंदर अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि भाई इसके अंदर कोई नंबर मिलेंगे, ये क्या है, ये आपका, ये मान लो आपको कि भाई एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर है। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिसर्स कमीशन ब्ला ब्ला ब्ला। डीएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर देखो ये मैंडेटरी तो है सभी पोस्टों के लिए, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, केवल क्वालिफाई करना है आपने और कुछ नहीं करना है। व्हाइल सॉलिसिटिंग द shortlisting the candidates for the post where either computer proficiency is prescribed as mentioned at para, jo para pad liyo bhai, or where DST is prescribed with tax assistant CBIC tax assistant in CBDT, to ye sari poste hain, to wahan par kya thoda sa higher qualifying standard check kiya jayega, matlab kuch poste aisi hain jahan par aapki computer skills thodi si high level par dekhi jayengi, theek hai na। matlab maan lo aap kisi particular in mein se kisi post ke liye ja rahe ho to aapko computer thoda sa better aana chahiye auron ke muqable, स्पीड आपकी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, बस ये बात आप ध्यान, ठीक है जी। तो ये तो सारी मोटी मोटी बातें थी एग्जाम के पूरे पैटर्न को लेकर।
अब बात करेंगे अपन, देखो अब थोड़ी सा बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो रीजनिंग है, टायर वन टीयर वन में जो रीजनिंग आगे वो देख लो भाई, ये पूरे रीजनिंग है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पूरा सिंगल क्या है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखो ये रीजनिंग है पूरा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन द, ये देखो जीके के सारे क्वेश्चन हैं, पूरी हिस्ट्री वगैरह, पॉलिसी साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पूरी सारा सुविधा है भाई, करंट अफेयर भी है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखेंगे तो ये आपका मैथ का पूरा सिलेबस है, देखो पूरा सिलेबस मैथ का, ये प्री के लिए, ठीक है जी। ये इंग्लिश का सिलेबस आ गया आपका, देख लो पढ़ लो एक बार सारे बच्चे, वीडियो रोक कर पढ़ लो, मैं पढ़ लूंगा आप पढ़ोगे कई बात है, ठीक है जी। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, पहले बहुत लंबी होगी। तो आगे देखो कंप्यूटर इंग्लिश, कंप्यूटर सॉरी इंग्लिश कंप्रहेंशन वाइज ये सारा सुविधा होगा। और फिर ये टायर टू के लिए है, टायर टू के लिए थोड़ा सा और स्पेसिफाइड सिलेबस दे रखा है इन्होंने। टायर टू के लिए आपके मैथ में नंबर सिस्टम अलग से बताया, देखो टायर टू के लिए आपको उन्होंने बोला है कि नंबर सिस्टम मैथ में अलग से, क्योंकि नंबर सिस्टम को आपको बेहतर ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको आने चाहिए सारे के सारे, जितने चैप्टर आप पढ़ते हो ना, परसेंटेज, रेशो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, एलिगेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर है। एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा, एलजेब्रा आपको आना चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, मेंशन अलग से दिया है जिसके अंदर सारी चीजें आपको मेंशन कर दी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस दिया है आपको। ट्रिग्नोमेट्री पूरा दिया है आपको। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में केवल एक बात लिखी है, इस पर आप ज्यादा ध्यान ना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करना जानते हो तो आप कर लोगे पेपर में, ठीक है जी। बाकी स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में पूरा सिलेबस दे रखा है आपको, देख लो इंग्लिश में पूरा दे रखा, वही चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं। जनरल अवेयरनेस जीके के पूरे लिए पूरा ये है। कंप्यूटर के लिए देख लो भाई, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, ये सारी चीजें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वर्किंग विद इंटरनेट, इंटरनेट और ईमेल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो हैकिंग वगैरह होती है, ट्रोजन वगैरह, ये देखो हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स का पेपर हर एक बच्चा नहीं देगा, जो बच्चा जेएसयू के लिए जा रहा है वही इसका पेपर देगा, तो वो अपना सिलेबस देख सकता है, ठीक है जी। ये सारा सिलेबस तो मोटी मोटी, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपको बता दी। अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि मैंने नहीं बताई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है जी। जो भी आपका डाउट है, मैंने कोशिश करी है कि जो मेन मेन आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत इसमें लगा आपने तो मैंने बता दियो। ठीक है जी, कोई भी समस्या आवे तो कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं दे सकता था मैंने इस वीडियो में दी। और सारे बच्चे अगर देखो अपने सपने पूरे करना चाहते हो, माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हो, जिंदगी में एक अच्छी नौकरी चाहते हो, एक अच्छे लाइफस्टाइल चाहते हो, बहुत ही बढ़िया जीवन जीना चाहते हो, तो ये गोल्डन चांस है आप सभी बच्चों के। तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या वही चीजें पढ़नी है जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, या उनसे हटके बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की एक अप्रोच हमें लेनी है, इस ऊपर पूरा डिस्कशन हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।